ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अर्थ की वजह से MGH तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या है वो मैं निकालने जा रहा हूँ। देखो मैं स्टार्ट तो ऐसे भी कर सकता हूँ, ये री डेफिनेशन लिखी, एक्सप्लेन कर दिया, आंसर आ गया, बात नहीं बनेगी। मैं आपको एक ऐसी डेफिनेशन देता हूँ, हमने पहले भी ये चीज़ डिस्कस की थी, फिर देता हूँ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कोई भी आप कहीं भी लगा लेना, डेवलप ही तब होती है जब आप अगेंस्ट नेचर काम करते हो। बहुत सिंपल है, अगर आप अर्थ से उठा के पत्थर को ऊपर लेके जा रहे हो तो वो नेचर के अगेंस्ट है। नेचर कहती है कि अर्थ पत्थर को खींच रही है और पत्थर वहीं रहना पसंद करता है क्योंकि अपनी पोटेंशियल जी उसकी मिनिमम होती है, नीचे स्टेबल है। पर तुम जाके पत्थर को ऊपर उठा रहे हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। जितना तुम वर्क डन करोगे वो स्टोर हो जाएगा उसमें इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सही है यहाँ तक, क्लियर है। फिर हम प्लस टू में पढ़ाते हैं, बिल्कुल आप बस लगा के चलोगे, जो आप पढ़ रहे हो ना ये प्लस टू का एक महीने का कोर्स है, जो भी आप मैं बता रहा हूँ ना ये एक महीना खुलेगा, बस थोड़ी डिटेल में प्रैक्टिस चलती है इसकी, चीज़ यही है प्लस टू सारी स्टार्टिंग यहीं से है। तो मैं अपना एग्जाम्पल पोटेंशियल एनर्जी का देना चाहता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, उससे जल्दी समझ में आता है, और फिर मैं इसको रिलेट करूँगा ग्रेविटी के साथ। एक बार कोई भी एक फील्ड सीख लो, दूसरा फील्ड उसका कॉपी है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। अब सपोज करो मैं चार्ज की फॉर्म में अगर समझाऊँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो बहुत सिंपल है। एक चार्ज को सपोज मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, या ऐसा बोलते हैं कि आप सब स्टूडेंट्स नहीं हो, आप सब चार्जेस हो और सब पॉजिटिव चार्जेस हो, प्लस 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 प्लस। इमेजिन करो कि क्लास खाली है और मैं क्या करता हूँ, मैं एक चार्ज को बोलता हूँ कि चल तू मेरी क्लास में आके बैठ जा। बोले ठीक है, चल पढ़ता हूँ, ये लो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ बैठ गया, सही है। मेरे को बिल्कुल जोर नहीं लगाना पड़ा, वो उसने मेरी बात मानी और वो यहाँ के बैठ गया, और अगर बात ना मानता तो मैं उसके घर जाके बैठ जाता। बात तो वही है, मेरी तो जिद पूरी होगी ना, जहाँ मैं खड़ा हो गया मेरे पास तो खड़ा हो गया वो, तो मेरे को कुछ ना करना पड़ा। अब मैंने इमेजिन करो कि इस प्लस चार्ज को यहाँ बिठा दिया, बैठ गया मैंने, और मान लो ये जो रूम है वो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब उस रूम से बाहर जाते हो इसका असर खत्म हो जाता है, आप एंटर करते हो इसका फील्ड स्टार्ट हो जाता है। अब मैंने एक स्टूडेंट को और कहा भाई ये काम कर पॉजिटिव चार्ज, तू भी आ जा क्लासरूम के अंदर, और बैठे ये स्टूडेंट बैठा कहाँ है, मेरी इस क्लास से इसके फील्ड से बाहर निकल गया, मेरी तरफ से यूनिवर्स में जहाँ मर्जी जाए इन्फिनिटी। अगर कोई चार्ज इस फील्ड से बाहर हो गया तो इन्फिनिटी हो गई, अब मुझे नहीं पता वो कहाँ मिलेगा मुझे। तो ये चार्ज बैठा था, इसका फील्ड कहाँ पर है, इस रूम के अंदर है, ठीक, इसने रूम के अंदर इसका असर है। मैंने एक और स्टूडेंट को कहा अपने घर से उठ के चल भी इन्फिनिटी से आ जा, इस रूम में आके यहाँ बैठ जा, वो कहता ठीक है। जैसे ही रूम में एंटर करता है, इसके पॉजिटिव फील्ड में एंटर करता है, ये पॉजिटिव उस पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल करता है और इसको बैठने नहीं देता, वो क्लास में एंटर करता है इसको भगा देता है। अब वो स्टूडेंट क्या कह रहा है, पॉजिटिव चार्ज क्या कह रहा है, मेरे को आना अलाउड नहीं है, ये बैठा है इसको समझाऊं। तो फिर मैं आया, मैंने क्या किया, एक्सटर्नल वर्क डन किया, मैंने उसको पकड़ा, और ये तो उसको रिपेल करे जा रहा था पर मैंने उसको पकड़ा और ज़बरदस्ती वहाँ पर बिठा दिया, फिक्स कर दिया। पर इस प्रोसेस में मुझे क्या करना पड़ा, वर्क डन करना पड़ा। पहले चार्ज में मुझे कुछ ना करना पड़ा, दूसरे चार्ज के अंदर मुझे वर्क डन करना पड़ा। चलो पहले चार्ज में कोई वर्क डन नहीं है, दूसरे चार्ज में मान लो मैंने 5 जूल का वर्क डन कर दिया, अब ये दोनों को मैंने बिठा दिया, तीसरे को कहा चल घर से उठ के आ जा, घर से का मतलब इन्फिनिटी से उठ के आ जा और यहाँ पर बैठ जा, वो कहता प्रॉब्लम है दोनों धक्का मार रहे हैं, दोनों प्लस प्लस को रिपेल कर रहे हैं, मैं तो एंटर भी कर नहीं पा रहा हूँ, अब मुझे फिर से जाना पड़ा, उसको ज़बरदस्ती वर्क डन करके बिठाना पड़ा। अब प्रॉब्लम यह है कि पहले वर्क डन अगर 5 है, अब हो सकता है वर्क डन मुझे ज़्यादा करना पड़ा, दो दो धक्का मार रहे हैं। चलो मैंने बिठा दिया उससे, वर्क डन कर दिया, फिर मैंने एक और चार्ज को कहा तू चल आ जा, वो कह रहे 3 धक्का मार रहे हैं, अब मुझे और ज़्यादा वर्क डन करना पड़ा चौथे को सेट करने के लिए। तो मान लो मेरे क्लास में 4 ही बच्चे हैं, चारों को 4 चार्जेस हैं, उनको रिस्पेक्टिव जगह पर मैंने बिठा दिया, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना करना पड़ा, 35 जूल। ये स्टोर हो गया इन चारों में इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देखना चाहते हो, अब देखो मैंने इनको कहा यू आर फ्री टू मूव, जाओ छुट्टी, फिक्स नहीं हो जाओ, ऐसा भागेंगे
और भागते हुए रिपेल करते हुए दिखेंगे, सब रूम से भाग जाएंगे, इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट हो जाएंगे और सबकी काइनेटिक एनर्जी टोटल कैलकुलेट कर लेना, 35 जूल आएगी, क्योंकि जो एनर्जी जो मैंने वर्क डन किया था वो स्टोर थी सिस्टम में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और जब आप रिलीज करोगे वो बाहर निकलेंगे इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पर काइनेटिक से हमें लेना देना नहीं है, हमारा क्वेश्चन यहीं तक है। तो यानी कि मैं इनकी नेचर के अगेंस्ट काम कर रहा हूं, तो मुझे क्या करना पड़ा, वर्क डन करना पड़ रहा है, और यही वर्क डन है जो स्टोर होगा इसमें इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये तो कहानी थी किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की। अब ग्रेविटी की बात कर लेते हैं। पत्थर को ऊपर उठाना है, किसी हाइट पे लेके जाना है, हाइट पे लेके जाना है, पत्थर जाने को तैयार नहीं है, ठीक। और जब मैं एक स्टोन को एच, चलो ग्रेविटी की डायग्राम बना दूं एक मिनट, ये लो, ये अर्थ है, ये अर्थ है और ये स्टोन है, और मेरे को कहाँ रखना है, इस अर्थ को और स्टोन को यहां पे रखना है ऐसे, ठीक है, दूर रखना है। तो मेरे को ऐसा अरेंजमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क डन, वर्क डन करना पड़ेगा। और जब मैं वर्क डन करूंगा उस टोटल वर्क डन को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। चलो शुरू करें। शुरू में जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जांपल दिया था, ये क्लास खाली थी, पहला चार्ज लेके आया था और मेरा वर्क डन क्या था, जीरो। सेम चीज, एक दो स्टूडेंट हैं, एक का नाम अर्थ है और एक का नाम पॉइंट मास है, दोनों कहां पर पड़े हुए हैं, पहले इन्फिनिटी अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन, पहले कहां पर रखना है उन्हें, बहुत दूर दूर, पता नहीं कहां पड़े हुए, इन्फिनिटी इकट्ठे नहीं पड़े हुए, बहुत दूर दूर पड़े हुए, इन्फिनिटी। पहले मैं इन्फिनिटी से किसको उठा के रखूंगा, अर्थ को, अर्थ को उठा के रखने का वर्क डन जीरो। आपको ये क्या है, अर्थ को उठा के लेके आए, नहीं मैं अर्थ के पास ही चला गया, एक ही बात है। तो अर्थ को तो लाने, सिस्टम के अंदर दो मासेस लेके आने हैं, तो जरूरी थोड़ा है कि पहले को लेके आना है, उसके साथ ही जाके खड़े हो जाओ। तो बस अर्थ का मास का वर्क डन तो मुझे नहीं करना पड़ा, पर लेकिन जब मैं इन्फिनिटी से एम मास लेके आऊंगा तो मुझे दो मासेस है ना, अब मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इसका ग्रेविटेशनल पुल होगा जो खींचेगा इसे, पर मेरे को तो उसको यहां रखना है, तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा इन्फिनिटी से लाके रखने का। और जो मैं वर्क डन करूंगा पहले मास का और दूसरे मास का, पहले का तो खैर जीरो ही है, उसे क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो तुम कहीं पर भी ग्रेविटी, कहीं पर भी पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ लेना। अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन आप प्लस टू के अंदर पढ़ लेना, उसमें यह सिखाई जाती है, एनसीईआरटी का पार्ट है, कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग टू और मोर चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर रिस्पेक्टिव पोजिशंस। तो जितना भी तुम्हें वर्क डन करना पड़ा इन्फिनिटी, सभी चार्जेस को अपनी जगह फिक्स करने के लिए, वो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और तुम जाके एनसीईआरटी की ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ लेना, वर्क डन इन ब्रिंगिंग टू और मोर मासेस, चार्ज की जगह मासेस, फ्रॉम इनफाइनाइट सेपरेशन टू फाइनाइट सेपरेशन, ये फाइनाइट है, इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो ये मुझे निकालनी है। अब इसके लिए मैं क्या करता हूं, इसके लिए बहुत सिंपल है। मुझे सबसे पहले जो अर्थ तो गिवन ही है, तो मैं ये मानता हूं कि इस मास को, पॉइंट मास को कहां से लेके आना है मुझे, इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी से लाके मुझे यहां पे रखना है मान लेते हैं। और ये डिस्टेंस, सारे डिस्टेंसेस कहां से लिए जाते हैं, फ्रॉम सेंटर, सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर, यहां मुझे रखना है। तो इन्फिनिटी से रखना है इस पॉइंट मास को, हमें ऐसा लगता है कि शायद ना अर्थ से रखना है, और हमने वर्क पर एनर्जी में से किया भी था एमजीएच निकालने के लिए, वो गलत है। हमें कहां से लाना होता है, इन्फिनिटी से, डेफिनेशन ही इन्फिनिटी है। तो तुम्हें यहां से यहां नहीं लेके जाना, तुम्हें बाहर से लेके आना है। तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन है, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो मैं क्या करूंगा इसके लिए, इसके लिए ये अर्थ, अर्थ का मास है कैपिटल एम, रेडियस कैपिटल आर, एक पॉइंट मास है स्मॉल एम जो कहां पर पड़ा हुआ है, एट इन्फिनिटी,
मान लो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे स्मॉल एम मास है, स्मॉल एम मास को आपने कहाँ पे लेके आना है, यहाँ पे लेके आना है एट ए डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर फ्रॉम सेंटर। अब ध्यान से देखना, जब इन्फिनिटी पे है तो अर्थ इसके ऊपर कोई फोर्स ना लगाएगी। इन्फिनिटी पे फोर्स कहाँ लगती है, जी एम एम बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर इज जीरो। और जब आप इसे पास लेके आओगे कभी ना कभी ये मास अर्थ के फील्ड में एंटर कर जाएगा और अर्थ के ऊपर फोर्स लगानी शुरू कर देगी। अर्थ कितनी फोर्स लगाएगी, मान लो ये पी पॉइंट पे है और पी पॉइंट से डिस्टेंस मान लो सेंटर से कितना है एक्स, तो यहां पर फोर्स की वैल्यू क्या लगेगी, जी अर्थ का मास पॉइंट मास अपॉन एक्स का स्क्वायर, फोर्स की वैल्यू आ गई। अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे जैसे मास नीचे आ रहा है एक्स घटता जा रहा है, फोर्स चेंज होती जा रही है, और तुम्हें वर्क डन निकालना है इस वेरिएबल फोर्स का, तो आपको क्या यूज करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन। राइट, क्लियर है? तो इमेजिन करो कि आपका मास इकट्ठा नहीं यहां से यहां आया, यहां से यहां आया कवरिंग अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ dx, तो फोर्स ग्रेविटी की नीचे की तरफ है f, dx नीचे की तरफ है cos ऑफ जीरो, और फोर्स की वैल्यू किसी भी इंस्टेंट पर कितनी है, जी एम एम बाय एक्स स्क्वायर, पुट कर दिया, वेरिएबल फोर्स है। अब सारे डिस्टेंसेज कहां से लेने हैं, सेंटर। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालेंगे कब, जब मास को इन्फिनिटी से यहां पे लेके आए, तो बोलो सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है, इन्फिनिटी, और सेंटर से जहां एनर्जी निकालनी है उसका डिस्टेंस कितना है, आर, तो लिमिट क्या लगेगी, इन्फिनिटी से आर। याद करो अपना इंटीग्रेशन का लेक्चर, मैं ऐसे क्वेश्चन दिया करता था, यही तो थे वो, भूल गए लगता है, इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस ऐसे करवाई थी, इन्फिनिटी आर, यही वो क्वेश्चन थे, जी एम एम बाहर, वन बाय एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स की पावर माइनस टू, इसकी इंटीग्रेशन एक्स की पावर माइनस वन बाई माइनस वन, माइनस वन बाहर आ गया, एक्स की पावर माइनस वन क्या है, वन बाय एक्स, एक बार एक्स की जगह आर, एक बार इन्फिनिटी, वन बाई इन्फिनिटी क्या, जीरो, आंसर आ गया। ये फॉर्मूला नोट करो, माइनस जी एम एम बाय स्मॉल आर, ये फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो पोटेंशियल एनर्जी में दोनों मास कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, ये नोट करो।